नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी को भोग लगाने के लिए पाक बनाना सीखेंगे। तो पाक बनाने के लिए मैंने ये कुछ सामान लिया है। ये मखाने हैं और ये गोंद है और मैंने कुछ बादाम लिए हैं और ये किशमिश है और ये मगज के बीज और ये चीनी लगभग हमारी 1.5 किलो है और ये मैंने इतना पानी लिया है चीनी में डालने के लिए और ये लिया है मैंने देसी घी का, जो हम जितना भी हम यूज करेंगे। तो मैंने इस तरह से सारा सामान रख लिया है। तो पहले हम जो हमारा ये मेवे हैं उनको हम भून लेंगे ऐसे। और घी को गर्म करेंगे और फिर इस तरह से इसमें बादाम डालेंगे। आप जितना भी मेवा लेना चाहते हो अपने हिसाब से ज़्यादा या कम ले सकते हो। इस तरह से जब तक ये बादाम सुनहरे ना हो जाएं तब तक इनको भूनना है। अगर फ्रेंड्स चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से अब हम मखानों को भी भून लेंगे जल्दी जल्दी से, फटाफट सारा सामान हम भून लेंगे। हमें किशमिश को नहीं भूनना है, बाकी सभी चीज़ों को हम भून लेंगे जो हमारे मेवे हैं। तो इस तरह से सुनहरा होने तक मखानों को भूनना है। इस तरह से मखानों को आपको तब तक भूनना है। आप एक मखाना तोड़कर देखिए, अगर ये क्रिस्पी हो गया है तो हमारे मखाने भून चुके हैं। अब इस तरह से मैं ये मगज के बीज डाल दूंगी इसमें। अब हम कढ़ाई को साफ करके थोड़ा घी डालेंगे और फिर इसमें हम जो हमारा गोंद था उसको डालेंगे, भूनेंगे उसको। जो गोंद होता है उसको हमें धीमी आंच पर भूनना चाहिए, नहीं तो जल जाता है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल धीमी आंच पर आपको भूनना है। इस तरह से गोंद को भून लेंगे तो देखिए कितना बड़ा बड़ा सा हो गया है भूनने के बाद। गोंद को हमेशा आप धीमी गैस पर ही भूने, धीमी आंच पर, नहीं तो ये जल जाता है। अब हम घी को कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। जो चाशनी हो बनाएंगे हम पाक के लिए, वो 4 से 5 स्टार की चाशनी होनी चाहिए, गाढ़ी चाशनी। तो इस तरह से मैं पानी भी डाल दूंगी। मैं आपको पानी का लगभग बता देती हूँ कि कितना पानी डालना। जैसे आपकी चीनी 8 कप चीनी है तो उसमें आपको 3 कप पानी डालना है, 8 कप में 3 कप। तो देखिए इस तरह से मैं जब चीनी थोड़ी घुल जाए तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। चीनी जो ये हमारी चाशनी है इसको साफ़ करने के लिए ऊपर का जो मैल है वो हम उसको निकाल देंगे, गंदगी जो होती है चीनी की, तो वो दूध डालने से बाहर आ जाती है सारी। इस तरह से देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे ऐसे, देखिए। और चीनी को अच्छे से साफ कर लेंगे, चाशनी को, सॉरी। तो हमने चाशनी को साफ कर लिया है। अब जो ये हमारे मेवे हैं इनको हम अच्छे से तोड़ लेंगे ऐसे, देखिए। थोड़ा सा हम इसको बारीक कर लेंगे इस तरह से। आप किसी भी चीज़ से इसको हल्का सा, हमें तोड़ना है सभी चीज़ों को। और जो बादाम है उसको मैं इस तरह से काट लूँगी, बारीक कर लूँगी। इस तरह से बादाम को भी बारीक काट लेंगे और अच्छे से सभी चीज़ों को तोड़ लेंगे ऐसे, बारीक कर लेंगे। और मैंने इलायची पाउडर लिया है थोड़ा सा, और ये मैंने थोड़ा नारियल लिया है कसा हुआ। अच्छे से ऐसे बारीक कर लेंगे। तो देखिए मैंने बारीक कर लिया है। अब देख लेते हैं चाशनी का हमारा क्या हाल है। तो देखिए चाशनी इस तरह से
चेक करेंगे तो अभी एक तार इसमें आ रहा है, हमें 4 से 5 तार की गाढ़ी सी चाशनी तैयार करनी है। तो एक थाली में मैं पाक को जमाने के लिए घी लगाकर तैयार कर लूँगी। ऐसे देखिए, और अच्छे से चाशनी को चलाते जाएंगे। तो देखिए, चाशनी लगभग हमारी ये गाढ़ी सी हो चुकी है, इस तरह से चारों तरफ कढ़ाई में जमने लगी है चीनी। इस तरह से चेक करेंगे तो देखिए, अभी थोड़ा और इसको हम गाढ़ा बनाएंगे। तो देखिए, ये कढ़ाई में चारों तरफ जमने लगी है, तो समझ लीजिए कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें ये नारियल का ये डाल दूंगी, कसा हुआ नारियल, और अच्छे से ऐसे इसको हम चलाते जाएंगे। अब जो ये हमारा सारा मेवा है, उसको भी हम सारे मेवों को भी इसमें डाल देंगे और चलाते जाएंगे। गैस को हम कर देंगे बंद और फिर ऐसे ही चलाते रहना है थोड़ी देर। अब हम इस तरह से पाक को एक थाली में जमा लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो इस तरह से हम इसमें कट भी लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने बाके बिहारी जी के लिए ये पाक भोग तैयार कर लिया है। इस तरह से आप घर पर बना सकते हो और कान्हा जी को भोग लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। कान्हा जी आप सभी को खुश रखे, आपकी हेल्थ को अच्छा रखे। तो इस तरह से हमारी ये पाक बना है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड, थैंक यू, बाय।